नमस्कार प्रधानमंत्री जी. नमस्कार. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और सर पहले देश में मानसिकता थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, पर इसमें अभी मैं बदलाव देख रहा हूँ. तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बदलाव संभव कैसे हुआ? धन्यवाद जी. मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बदलाव को महसूस किया. ये बात सही है कि सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म. अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था होगा. एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है. हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है. सब कुछ बदल सकता है. आपने देखा होगा कि पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 2013-14 के अखबार निकालिए, आए दिन खबर आती रही, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आता तक नहीं आता था. 4.5 साल हो गए, खबरें बदली कि नहीं बदली, हेडलाइन बदली कि नहीं बदली. वरना उस समय कोयला घोटाला, 2G घोटाला, न तो ये जी कहां तक जाता है जानते हैं आप लोग. एक छोटा उदाहरण देता हूं, 26/11 हुआ था, याद है? 26/11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था. बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था. उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही. उरी ने हमें सोने नहीं दिया. जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है. और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में. और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक. बदलाव ऐसे आता है,
कोई कल्पना कर सकता था कि काले धन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई कोई लड़ सकता है? हर कोई सोचते थे कि नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, फिर वो भी सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और न ही औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, चूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ था। अगर फैसले लेने के लिए इरादे साफ हो, नियत नेक हो, देश हित में हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए न हो, तो निर्णय भी किए जाते हैं, निर्णयों का परिणाम भी मिलता है। कोई कल्पना कर सकता है कि हिंदुस्तान में सुबह टीवी खोलते ही समाचार आते, आज इतने आतंकवादी मारे, आज इतने मारे। ये ठीक है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन वे सीना तान करके लड़ते लड़ते मर रहे हैं, सोए हुए आकर के कोई बम फेंक करके नहीं मार पा रहा। वो भी एक वक्त था, कभी मुंबई में बम धमाका, कभी रेल के डिब्बे में बम धमाका, कभी दिल्ली में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। 4.5 साल हो गए, सब कुछ किसी कश्मीर में अटक गया है। ये बदल है कि नहीं है? देश का नौजवान आज पैसों के अभाव में अपने सामर्थ्य के लिए निराशा कर लेकर के डूबता नहीं, बैठा नहीं रहता है। मुद्रा योजना के तहत बैंक के दरवाजे खटखटाओ और बिना गारंटी आप लोन लेने के हकदार बनते हो और अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, पहले कभी नहीं होता था। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे, समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माता शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पर चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश बदल रहा है, उसका मूल कारण है 125 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि बस अब बदल के रहना है। हमारा, हम लोगों का स्वभाव है, अगर हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं और बगल की सीट खाली है, हमने अपना थैली वहां रख दी, बैग रखी, पर्स दिख दिया, टेलीफोन रख दिया, किताब रख दी, और विमान के चलते चलते या ट्रेन के चलते चलते वहां का रिजर्वेशन जिसका है वो आ गया उस सीट पर बैठने के लिए, सीट तो हमारी नहीं थी, हम तो हमारी सीट पर बैठे थे, वो तो खाली पड़ी थी, उसकी थी,
वो आया, हमको टेलीफोन उठाना पड़ा, किताब उठानी पड़ी, चश्मे उठाने पड़े, मोबाइल उठाना पड़ा, मुंह लटक गया। ये कहां से आ गया? एक सीट खाली थी, मैं आराम से बैठा था, सीट आपकी नहीं थी फिर भी। एक तरफ ये हमारा अनुभव, उसी देश में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बार यूं ही कह दिया कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आपको गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, छोड़ दो ना। मेरे देश के 25 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया, ये जन मन बदला है। 125 करोड़ देशवासियों का जन मन जो बदला है वो देश को बदल के रहेगा, ये मेरा विश्वास। रेल के अंदर सीनियर सिटीजन्स को सब्सिडी मिलती है, टिकट में, पैसों में राहत मिलती है। मैंने ऐसे ही कहा रेलवे वालों को, जरा जो पर्ची होती है फॉर्म उसमें लिख दो कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। इतना ही लिखा, मैंने कभी भाषण नहीं किया इस पर, ना कोई अपील की, कुछ नहीं किया। आपको जानकर के खुशी होगी, मेरी लास्ट जो जानकारी थी करीब करीब 40-45 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने लिखा कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मैं पूरी टिकट देना चाहता हूं। ये है मेरे देश का सामान्य मानवीय का मिजाज जो बदला है, वही मेरे देश की भविष्य, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये आशा, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये सपने और उन सपनों के अनुकूल सरकार की नीतियां, सरकार की रीति, सरकार की गति, सरकार की मति उसको एक नई ताकत देती है। पहले ऐसी मान्यता थी सब कुछ सरकार करेगी, हम ही सब कुछ है, हमने आकर के बदल दिया। जी नहीं, हमसे बड़ा देश है, देश के लोग बड़े हैं, 125 करोड़ देशवासी देश बदल सकते हैं। हम तो निमित्त है, उनके भरोसे छोड़िए, वो देश को आगे ले जाएंगे और हमने छोड़ना तय कर लिया है। देश के भरोसे, 125 करोड़ देशवासियों के भरोसे चलना, ये सपना लेकर के हम चल पड़े हैं और वही ताकत है। एक मोदी नहीं है, ये 125 करोड़ मोदी है जो देश बदल रहे हैं, जो देश बदल रहे हैं।